हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी ट्यूबर। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो क्लास 9 के फिजिक्स मोशन चैप्टर का है, आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, तो अभी हम देखने वाले हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देंगे और इस क्वेश्चन के बाद आपको मैं होमवर्क में दूंगा 2-3 क्वेश्चन जो आपको बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हाँ सर, इस फला क्वेश्चन का आपका फला आंसर होगा, राइट ना। तो अब आपको मैं चेक करूंगा, फिर उसके बाद आपको रिजल्ट बताऊंगा कि किन की बच्चे का सही है। तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन को कि हमारा क्वेश्चन क्या है। गॉट माय वे, अ बुलेट मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड हिट्स अ वुडन प्लैंक। द बुलेट इज स्टॉप्ड व्हेन इट पेनिट्रेट्स द प्लैंक 20 सेंटीमीटर डीप। कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बुलेट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? एक बुलेट है, बुलेट जानते हो ना, गन में जो बुलेट लगता है वो बुलेट होगा। बुलेट मतलब बाइक बुलेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है, एक बुलेट है जो 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो मूव कर रहा है। तो आप जरा सोच सकते हो कि 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब है क्या? यू है, इनिशियल वेलोसिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिट्स अ वुडन ब्लॉक, एक लकड़ी का कोई ब्लैंक है उसको वो हिट करता है, राइट ना। द बुलेट इज स्टॉप्ड, और जैसे ही हिट करता है वो बुलेट स्टॉप करता है। तो आप समझ सकते हो कि जब स्टॉप किया तो कौन सा वेलोसिटी वहां? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो आपका यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आइए हम लिख देते हैं क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, मैं यहां पर ले रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन 1 का ये सॉल्यूशन है, आप समझ सकते हो यू इक्वल मेरे को कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। चलिए, और आप गॉट माना द बुलेट ये स्टॉप्ड, मतलब क्या हुआ, V इक्वल 0, क्लियर है। चलिए, स्टॉप करता है और साथ में क्या कर रहा है, इट पेनिट्रेट्स द, पेनिट्रेट्स मतलब छेद कर जाना, पार करना। इट पेनिट्रेट्स द प्लैंक 20 सेंटीमीटर डीप, और वो पेनिट्रेट करने के बाद उस प्लैंक्स के अंदर 20 सेंटीमीटर जाके डीप हो गया। नहीं होता है कभी कभी हम गन से बुलेट को जो फायर करते हैं, तो फायर करने के बाद क्या होता है कि किसी बुलेट, किसी प्लैंक, लकड़ी का कोई प्लैंक होता है उसके अंदर जाके अंदर धस जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है। तो पेनिट्रेट करने के बाद कितना, 20 सेंटीमीटर डीप कर जाता है। तो मेरे को फाइंड जो करना है, कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बुलेट। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रिटार्डेशन कब होगा, जब आपका फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होगा, राइट ना। चलिए, गॉट माइंड, वी 0 हो गया और एस हमारा कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर ना, या 20 सेंटीमीटर। तो गॉट मार सकते हो, ये सबका सब मीटर है, तो इसको भी आप मीटर में चेंज करोगे तो 20/100 कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। मेरे को फाइंड क्या करना है, रिटार्डेशन। तो याद करिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने बचपन में इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा था, यू भी एस है, यू भी एस है, और मेरे को फाइंड करना है रिटार्डेशन, मतलब क्या, एक्सेलरेशन। याद करो, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है, बस साइन माइनस हो जाएगा। तो याद करिए कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करेंगे, U है, V है, S है, मेरे को एक्सेलरेशन फाइंड करना है, A इक्वल 1, मतलब रिटार्डेशन है, माइनस साइन लगेगा। तो जरा सोचिए ना, U, V, S, A रहता है, तो हमने इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था क्या, V स्क्वायर इक्वल U स्क्वायर प्लस 2AS। तो आइए हम अप्लाई करते हैं, फ्रॉम V स्क्वायर इक्वल U स्क्वायर प्लस 2AS, क्लियर है। अब गॉट मारिएगा, वी आपका क्या है, 0, तो यहां पे 0 का स्क्वायर इक्वल यू कितना है, 10, तो 10 का स्क्वायर, और यहां पे रिटार्डेशन हो रहा है ना, तो यहां पे साइन जो होगा एक्सेलरेशन का माइनस हो जाएगा। तो 2 इंटू ए कितना मालूम करना है, एस मेरे को कितना है, 0.2, नीचे दिख रहा है। चलिए, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 डेट इक्वल 100 माइनस कितना हो जाएगा, 2 to the 4, यानी 0.4a, क्लियर है। अब इसको जब आगे हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करें, गॉट माइए, माइनस 0.4 जब लेफ्ट साइड आएगा तो साइन साइड चेंज, साइन चेंज, तो मैं लिख सकता हूं क्या, 0.4a इक्वल क्या होगा, 100, देयरफॉर एक्सेलरेशन इक्वल हमारा क्या होगा, 100/0.4, तो कितना हो जाएगा, देख सकते हो 4 × 8 = 25, यानी एक्सेलरेशन इक्वल क्या आया, 250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे मेरे को एक्सेलरेशन क्या आता है, क्या आता है, आप देख सकते हो 250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हमारा रिटार्डेशन होता है, कितना होगा, रिटार्डेशन होगा। तो इस तरीके से आपके सामने रिटार्डेशन क्या आता है,
रिटार्डेशन मेरे को आता है 250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद है क्लियर है, ये आपका आंसर हुआ, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, ये हमारा आंसर हो गया, समझे क्लियर, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन हमारा यहां, अ बॉडी विद वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 9 सीएम पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे 9 सीएम पर सेकेंड स्क्वायर है, आप समझ सकते हो ये एक्सेलरेशन है। कवर अ ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है 200 मीटर। मेरे को फाइंड करना है कैलकुलेट एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ ही दूसरा आपको फाइंड करना वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए यहां मैं क्वेश्चन टू करके लेता हूं, ठीक है ना, एक्सप्रेस का काम है तो उसका भी ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्यूशन है, आप गॉट मार सकते हो, फिर से मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। अ बॉडी विद वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर क्या है सोचिए, एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 9 सीएम पर सेकेंड स्क्वायर ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, कैलकुलेट एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड क्या करना है वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। मेरे को पहले फाइंड करना है एक्सीलरेशन, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गिवन जरूर मेंशन करते हैं। गिवन में क्या होगा आपका, ये 18 किलोमीटर पर आवर जो है ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है, तो मैं यहां ले लेता हूं u इक्वल 18 किलोमीटर पर आवर। और याद करिए हमेशा कि किलोमीटर पर आवर जब होता है उसको मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करना है तो वहां पर हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको जब हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इंटू क्या होगा 5/18, 18 से 18 फिनिश, क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे को क्या हुआ इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर है ना। चलिए अब उसके बाद देख सकते हैं 9 सीएम पर सेकेंड स्क्वायर मेरे को क्या है एक्सेलरेशन है, और साथ ही डिस्टेंस कितना है यानी एस इक्वल मेरे को 200 मीटर है, और एक्सेलरेशन क्या है गॉट मान सकते हो एक्सेलरेशन मेरे को 9 सीएम पर सेकेंड स्क्वायर है, 9 सीएम पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं आपको बता दूं यहां पे एक्सेलरेशन 9 सीएम पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो फाइंड करना है एक्सेलरेशन किस चीज में देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जरा सोचिए कि 9 सीएम पर सेकेंड स्क्वायर को मेरे को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, कैसे कन्वर्ट करेंगे गॉट माइंड, 9 सीएम है तो सीएम को मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो यहां पर क्या होगा 9/100 मीटर हो जाएगा, और यहां पर सेकेंड स्क्वायर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या 0.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक तरह से हमारा ये आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को फाइंड करना है एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर, फाइंड करना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड क्या करना वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ये आपका फर्स्ट का हो गया। सेकेंड में चलिए वेलोसिटी फाइंड करना, तो याद करिए मान लो कि मैं इनिशियल वेलोसिटी को जा रहा हूं स्पीड से, एक्सेलरेशन हमारा कुछ है, डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, तो मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा उसके लिए भी कौन सा इक्वेशन मोशन अप्लाई करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि मेरे को भी फाइंड करना है, एस है ए है यू है, अब भी फाइंड करना है कौन सा फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू एस, फ्रॉम वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू एस, और गॉट मार सकते हो यू कितना मेरे को देख सकते हो यू मेरे को 5 है, तो 5 का स्क्वायर यहां पे क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 2a, एक्सेलरेशन कितना 0.09 इंटू एस कितना मेरे को देख सकते हो 200, क्लियर है। और फाइंड क्या करना है वेलोसिटी फाइंड करना है, गॉट माइंड, तो वेलोसिटी यानी वी स्क्वायर इक्वल क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25 प्लस, अब गॉट माइंड क्या करेंगे आप खुद सोचिए ना, इतना को तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, तो कितना होगा 22 जा 400 इंटू 0.09 है, तो इसको लिख सकते हैं क्या 9/100 देख सकते हैं 0.09 पॉइंट जीरो नाइन हटेगा तो 100 आ जाएगा, अब देख सकते हो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो फाइनली मेरे को आया वी स्क्वायर इक्वल 25 प्लस 9 चौका 36, तो वी स्क्वायर इक्वल कितना आएगा 61। मेरे को वेलोसिटी फाइंड करना है गॉट माइएगा, वेलोसिटी इक्वल क्या लिखेंगे √61, तो √61 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हुआ। अब चाहोगे कि 61 का स्क्वायर कितना होगा,
तो आप एक सब्स है ना, तो उसको आप ऐसे समझ लो, 8 का स्क्वायर 64, ज्यादा हो गया तो कितना 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, या आप इतना ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपका वेलोसिटी भी आंसर यहाँ पे याद आता है और एक्सेलरेशन आपका यहाँ आया। इस तरीके से यहाँ पे आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया। आशा करता हूं आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, और बार बार मैं कहता हूं कि अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी देख सके जो नहीं देख पा रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए, इसके बाद ये तो आप बना लोगे कॉपी में जरूर। इसके अलावा मैं अभी आपको 2-3 क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख देता हूं, इसको बखूबी आप वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके आंसर बताएंगे। तो मेरे ख्याल से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा मैंने भी कहा है कि आपको 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है, होमवर्क मेरा, और आप वीडियोस को क्या करना है, पॉज करना है। पॉज करने के बाद सारे क्वेश्चंस को देखना है, कॉपी लेना है, और कॉपी पर लिखकर आंसर आ जाए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करोगे कि सर क्वेश्चन नंबर ये का आपका ये आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। आपके सामने 2 क्वेश्चन जो दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन 2, ये आपका मैच करने का है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करने का है। आप जैसा कि बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कुछ फॉर्मूले हैं जो फॉर्मूले को रिकॉल करना है और उसके बाद आपको आंसर करना है कि फला क्वेश्चन का आपका फला आंसर होगा, राइट ना। क्वेश्चन क्या था उसमें बता दूं, कॉलम 1 में देख पा रहे हो एवरेज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस, स्पीड। इसका जो कॉलम 2 में दे रखा है वी माइनस यू बाई टी, डी बाई टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी प्लस यू बाई टी एंड यू प्लस ए टी। ये क्वेश्चन नंबर 1 का था, मैच 1 और कॉलम 1 और कॉलम 2 का मैंने बता दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को भी पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉलम 1 एंड इट्स अ कॉलम 2। कॉलम 1 में क्या है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सेकेंड है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, थर्ड है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंटरसेप्टेड विद टाइम एक्सिस, और एरिया अंडर एक्सिस इन टाइम ग्राफ इंटरसेप्टेड विद टाइम एक्सिस। उम्मीद दिख रहा होगा। चलिए, तो मैंने ये आपको बताया आपका कॉलम 1 का। अब कॉलम 2 में मूव करते हैं। कॉलम 2 में इसका है क्या, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अब एक लास्टली जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो ग्राफ से रिलेटेड है। आपके सामने ये देख पा रहे हो ग्राफ इस प्रकार है, उम्मीद दिख रहा होगा। ये ग्राफ है, ये आपका वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ये टाइम आपका सेकेंड है, सेकेंड में, ठीक है, ये ग्राफ है। उसके बाद इस ग्राफ को देखने के बाद आप क्वेश्चन पढ़ोगे फिर उसका आंसर करोगे। क्वेश्चन क्या मैं पढ़ दे रहा हूं, द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड। 2 सेकेंड देख पा रहे हो, 2 सेकेंड में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा आपको मालूम करना है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में क्या, तो आप देख सकते हो यहां 2 सेकेंड है तो 3 सेकेंड, यहां 4 है तो इसके बिल्कुल मिड में होगा, यहां पे आपका क्या होगा 3 होगा, यहां 3 सेकेंड में आपको एक्सेलरेशन मालूम करना है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 0 एंड 5 सेकेंड। 0 और 5 सेकेंड के बीच, 5 सेकेंड के बीच कितना एक्सेलरेशन होगा ये मालूम करना है, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं। उसके बाद है, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन फॉर 8 सेकेंड। 8 सेकेंड यहां है तो 8 सेकेंड तक एवरेज एक्सेलरेशन क्या हुआ ये मालूम करना है। और एक लास्ट क्वेश्चन मैंने यहां स्पेशली रखा था तो मैंने यहां पे लिख दिया है, क्या है देख सकते हो, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर 8 सेकेंड इंटरवल। 8 सेकेंड इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, आपको ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देना है। थोड़ा सा मैं साइज ले रहा हूं, एक बार बखूबी आप अच्छे से देख लीजिए, मैं साइड हो रहा हूं। तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन देख लिया अच्छे से। अब करना क्या, मैंने पहले ही बता दिया है कि वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को लिखना है और सही से आप आंसर करोगे, कॉपी में लिख लोगे, फिर लिखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो उम्मीद है आपको जितनी भी सारी बातें बताया गया, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं फिर से बता दूं, आपका फिजिक्स का आज लास्ट क्लास था, फिजिक्स आपका मोशन चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मूव करेंगे केमिस्ट्री के, आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग में, उसमें भी हम लोग इसी तरीके से देखेंगे बड़े बहुत ही अच्छे अंदाज से। और आप लोग भी देख रहे हो, उम्मीद है मैंने इस चीज को नोटिस किया है कि आप वीडियोस को देखते हो और अच्छे से बनाते हो, आपका रिस्पॉन्स मैंने एक पॉजिटिव रूप में मैंने देखा है।
बहुत अच्छा लगा। चलिए ऐसा ही आप लोग भी मेहनत करते रहिए, और मैं तो आपके लिए मेहनत कर रही रहा हूँ। तो आज के इतना ही।